सो गाइज़ वेलकम बैक टू माई चैनल, होप आप सब बढ़िया होंगे। एंड गाइज अभी मैं जा रहा हूँ इसमें एयर फिल्टर लगवाने। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो कोल्ड स्टार्ट करते हैं बाइक को एंड बाहर मिलते हैं आपको। भाई सो गाइज एयर फिल्टर फाइनली अपना आ चुका है DNA का स्टेज 2 एयर फिल्टर। तो गाइज देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ेगा। पहले तो एयर फिल्टर मुझे लेना है अगस्ते भैया के घर से, तो वहाँ पर ही है, मतलब उनके अंकल के थ्रू मैंने मंगवाया था एयर फिल्टर, तो उन पर आ चुका है और पेमेंट कर ही रखी है। पेमेंट मतलब 8,300 का था तो मैंने कितनी कर रखी, 7,200 कर रखी है और बाकी जो जितने भी हैं रिमेनिंग उतने 1100 रुपये कैश देने हैं। उसके बाद एयर फिल्टर हम लेके जाएंगे मानव भाई के पास एंड उनसे इंस्टॉल करवाएंगे, क्योंकि वो अभी इंस्टॉल नहीं करेंगे, उनका जो टेक्नीशियन है वो जा रखा है कहीं। सो गाइस वीडियो में बने रहने से पहले वीडियो कर देना लाइक और चैनल कर दो सब्सक्राइब। आज एक मोटा खर्चा हो ही गया भाई 8,500 का अप्रॉक्स, और ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि गाइस जब भी आप अपनी गाड़ी में एग्जॉस्ट चेंज कराते हो आफ्टर मार्केट, तो एयर फिल्टर भी लगवाना ज़रूरी होता है परफॉर्मेंस वाला। सो मैंने काफ़ी टाइम से मंगवा रखा था और अब जाके आया है, तो ठीक है यार कोई नहीं, टाइम लगता है चीज़ों में। निकलते हैं आपको सीधा रोड पर दिखाते हैं। सो गाइस ये मैं पहुंच चुका हूँ रोड पे एंड अभी यहाँ आप चेक कर सकते हैं ट्रैफिक हो रहा है, तो थोड़ी देर में पहुंचते हैं। ट्रैफिक की वजह से टाइम लगेगा क्या पता, वैसे इतना दूर तो है भी नहीं, इतना आराम आराम से चलते हैं एंजॉय करते हैं। मज़ा आता है यार, जो बात है बाइक चलाने के बाद ना पूरे दिन में मैं वेट करता हूँ कि एक बारी जब मैं निकालता हूँ ना बाइक, तो मैं वेट करता हूँ पूरे दिन कि अब चलाऊँगा। लो भाई रेड लाइट, इसमें एक बार एयर फिल्टर लग जाना तब थोड़ी पावर बढ़िया लगेगी, क्योंकि एग्जॉस्ट से इसका एयर फ्लो, मतलब हवा तो बाहर निकल रही है पर हवा अंदर जा नहीं रही है क्योंकि स्टॉक है और 10,000 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी, तब से स्टॉक ही लगा है, चेंज नहीं हुआ, तो फ़र्क तो आएगा लगाने के बाद और देखते हैं कितना फ़र्क आता है। मज़ा आएगा मतलब। तो गाइस ये पहुंच चुके हैं हम प्रोवाइडर 1000 के घर पे। इधर आके एक अलग सी एनर्जी आ जाती है मेरे अंदर। तो गाइस फटाफट से एयर फिल्टर लेते हैं अपना। अंकल नमस्ते, अच्छा अच्छा अच्छा, और भी कैसे हो? कैसे हो? ठीक हो? बढ़िया। चेक कर लो, उतार लो हेलमेट है। अरे व्लॉग बनाना ज़रूरी है। चलो कोई नहीं उतार लेता हूँ। सो गाइस वहाँ पहुँच के मैं अगस्त्य भैया के पापा से मिला और मैंने अपनी एयर फिल्टर की जो रिमेनिंग पेमेंट थी वो करी, और उसके बाद थोड़ी देर रुकने के बाद मैं सीधा निकल गया एयर फिल्टर लगवाने के लिए सीधा मानव भाई की शॉप पे, तो वहीं जा रहे हैं अभी, देखते रहना। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? ओ भाई कलर चेक करो गाइस ऑडी का, अलग ही कलर है। एंड गाइस एयर फिल्टर मेरे बैग में है, सो फटाफट से पहले पहुंच दो लोकेशन में, उसके बाद दिखा दूं आप लोगों को एयर फिल्टर। Oh,
ये अच्छी क्या अच्छी ब्रा आ गई। अरे भाई हालत खराब हो गई एयर फिल्टर लाने में। एयर फिल्टर नहीं हो गया क्या हो गया? ये लो अवार्ड अवार्ड। इसका बारकोड कहाँ है? क्या ये कहाँ है बारकोड? ये कहाँ है? ये तो ऐसे दिया उन्होंने, इसमें बारकोड लगा हुआ थे, हटा रखा बारकोड। अभी कॉपी है क्या क्या नहीं पता, कुछ नहीं समझ पता क्यों यहाँ पे बारकोड होता है एक MRP का और सबका। ये लगा हुआ है अभी इसमें, ये रहने दो, ये बाद में लग जाएगा, ये लगा हुआ है इसमें, रेडी है पूरा। सो गाइस एयर फिल्टर आपने देख लिया है और भाई ब्लॉग चल रहा है। एयर फिल्टर स्टॉक वाला, इसकी हालत चेक करा दो, दिखाओ ये देखो पूरा ब्लैक हो चुका है, इधर से क्लीन है इधर से पूरा ब्लैक हो चुका है, मतलब ख़त्म ही है, फेंकना पड़ेगा ना इसको। तो गाइस इसको फेंकते हैं और लगाएंगे इसमें परफॉर्मेंस वाला, ये भाई हालत देख लो भाई क्या हो चुकी है। ये ऐसा था जब नया आया था और ऐसा हो गया, तो देख सोच ही सकते हो 10,000 किलोमीटर पर क्या हालत होगी इसकी। इसको रखते हैं किनारे और यहाँ लगेगा परफॉर्मेंस वाला, जो नॉर्मल आता ना BMC वाला वो कुछ 6,000-7,000 कुछ का आता था, पर ये बड़ा महंगा भयंकर। ये लग गया, लग गया ना, हल्की फिटिंग नहीं है सही, बढ़िया ये है ना लॉक है। अच्छा इधर लॉक आते हैं ऊपर खांचे से। गाइस बालों की हालत देख लो कैसी हो चुकी है हेलमेट लगाने के बाद, ऐसी हो जाती है, और मेरे थोड़े थिन हेयर भी है ना तो ख़त्म हो जाते हैं बिल्कुल हालत। और यहाँ पर अभी स्टार्ट करते हैं, 10 मिनट स्टार्ट करके भी रखना पड़ेगा शायद, है ना, वो ईसीयू अडेप्ट करता है ना फिल्टर को, तो देखते हैं कैसा रहेगा। सुबह इस बार स्टार्ट करके देखते हैं, न्यूट्रल करना पहले में। हाँ भाई, मैं कह रहा एक वीडियो बना दो जरा, मतलब राउंड मार रहा ना ऐसे, तो वीडियो बना दियो, नहीं आती ऑन है। सो गाइस एयर फिल्टर इंस्टॉल हो चुका है और एक राउंड मार के देखते हैं कैसा लग रहा है। वहाँ से आता हूँ मैं, ठीक है आगे से आता हूँ। भाई फ़र्क तो है, स्मूथनेस फील हो रही है मेरे को, जो ब्रीथिंग है ना बाइक की वो फील हो रही है, और क्रैकर्स भी ज़्यादा बज रहे हैं। रुको MTC ऑफ करता हूँ एक बार, MTC ऑफ करते हैं उसका। हो गया चलो,
सो गाइस वीडियो बना ली अपनी थोड़ी सी, एंड अभी एयर फिल्टर हो चुका है इंस्टॉल। फ़र्क तो है गाड़ी में, स्मूथनेस बढ़ चुकी है। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इसका जो ऑयल है वो कम है, तो उसको थोड़ा डलवाना है यहाँ पर और आगे ऑयल, उसके बाद ये काम करवाने के बाद निकलते फटाफट से, एंड पहले ऑयल डलवाएंगे उसके बाद निकलेंगे। तो गाइस इसमें मैंने फ़िल्टर करवा दिया इंस्टॉल डीएनए का, एंड मेरे को कॉस्ट पड़ी है 8300 फ़िल्टर की। अगर आप ऑनलाइन देखोगे ना तो आपको मिलेगा कम से कम कितने का, 9500 कुछ का है, 9000 का मिलेगा, पर मैंने अपने नोन से मंगवाया है तो मेरे को कम का पड़ा। तो बढ़िया यार, सस्ते में पड़ गया एयर फिल्टर, और फ़र्क तो पड़ा है डेफिनेटली। इतनी महंगी चीज़ लगाओगे तो क्यों फ़र्क नहीं पड़ेगा। और एयर फिल्टर यार बड़ा ज़रूरी होता है, जब एग्जॉस्ट चेंज कराते थे एयर फिल्टर तो करवाना ही था चेंज। और अभी मैं जा रहा हूँ घर। सो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर देना लाइक, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब ऐसे ही और कंटेंट देखने के लिए। ये देखो कैसे निकला बगल से, जब मैं खींच रहा हूँ ना भाई तो फ़र्क आया यार। पटाखे ही बज रहे एक्स्ट्रा। सो गाइस अगर आप लोगों को व्लॉग पसंद आया तो वीडियो कर देना लाइक, आप लोगों के लिए गाइस इतनी मेहनत से बनाते हैं व्लॉग। सो गाइस इतनी ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वीडियो को लाइक कर देना, चैनल कर दो सब्सक्राइब, और एक प्यारा सा कमेंट। मोटा खर्चा हो चुका है गाइस, और क्या ही चाहिए, बस सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।